पकड़ो चीन मध्य पकड़ो चीन, मेरा मूड मत खराब करना, देखो घर चलो, एक सेकंड पकड़ लो उसको, आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। और आज है संडे, आज मेरी जिम की छुट्टी है, पर मैं आज, मेरे को अब जल्दी उठने की ना आदत लग चुकी है। पहले था मैं 11-11 बजे तक उठता सो गया, पर जब से मैंने जिम करनी स्टार्ट हुई है तब से अब मुझे आदत 7 बजे उठने की लग चुकी है। अभी बज रहे हैं 7:15 और मैं उठ चुका हूँ। अभी सब सो ही रहे हैं, मतलब मम्मी पापा उठ चुके हैं, बाकी बहन भाई तो सो ही रहे हैं। पर गाइस, पहले तो मैं अपने आप को इस बार थैंक यू कहना चाहूँगा, सच में इस बार मैं आपको भी, आपको तो हमेशा ऑलवेज थैंक यू एंड लव यू है, पर इस बार अपने आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर जो मैंने बनाई थी बिफोर एंड आफ्टर वाली, जिसमें आपको फैट बॉडी का कैसे कम करना है, तो उसके अंदर मैंने कमेंट्स पढ़े थे और पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कमेंट्स पढ़ के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि मैंने कोई कंटेंट जो है यूज़फुल बनाया कि वो किसी के काम आ सके। हाँ, उस पर व्यूज़ कम आए, बट डजेंट मैटर यार, जिन्होंने भी देखा उन्होंने मतलब यही कहा कि यार वो सच में परेशान थी इस चीज़ को लेकर कि उनको बॉडी फैट कम करना है, वो जिम नहीं जा पा रही है, उन्हें परमिशन नहीं है, जो भी है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मैंने कोई ऐसा कंटेंट बनाया कि मुझे खुशी हो रही है वो चीज़ बना के कि हाँ मैंने वो चीज़ की। और उससे रिलेटेड मुझे बहुत क्वेरीज आई थी, खासकर जो क्वेरीज थी वो थी डाइट की, कि आपको डाइट कैसे मेंटेन करें, कि आप अगर आपको बॉडी वेट कम करना है, आपको फैट कम करना है, तो अगर आप कर सकते हैं तो आप बॉइल्ड डाइट पर आ जाइए, बॉइल्ड डाइट इज़ द बेस्ट डाइट। अगर आप बॉइल्ड डाइट बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, आपको घी, तेल, मीठा, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स, ये सब आपको छोड़ देना। घर में जो आपका बन रहा है आप उसे खाइए, पर उसमें भी आप थोड़ा मसाला वसाला थोड़े कम कर दीजिए। और अगर आपको जिम से पहले, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जिम से पहले आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए, जो कि मैं तो पर्सनली वाको यूज़ करता हूँ जिम से पहले, मैं और मेरी बहन और मम्मी भी आजकल यूज़ कर रही हैं। जिम से पहले आपको बस क्या करना है, एक थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और उसमें आपको एक चम्मच वो एप्पल साइडर विनेगर मिलाना है और घोल के उसे पी जाना है जिम से पहले। अगर वो शायद जो मेरा ब्लॉग था आपको पिछले लास्ट 2 ब्लॉग्स में शायद वो मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने वो वाव का एप्पल साइडर विनेगर बता रखा है, वो बहुत अच्छा है, उसे मंगा के देख लीजिए, ट्रस्ट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी के लिए हर चीज़ के लिए अच्छा है। तो शादी के बाद होता संडे आराम करने का दिन, पर शादी से पहले संडे क्या होता है, मौज मस्ती और बाहर घूमने का दिन। तो जैसे कि मेरी शादी तो अभी हुई नहीं है, तो फिर यस आज है मजे करने का दिन, संडे का मतलब घर पर बिल्कुल नहीं रुकने का। तो मैं निकल रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट में बस रेडी होकर नहा धोकर निकलना, मुझे एक मेरे दोस्त का शूट है गाने का, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा पहुंच के, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, उन्होंने मुझे 9:30 का टाइम दिया और टाइम बिल्कुल ही मतलब बहुत कम बचा है, नहा धोकर मुझे तैयार होकर निकलना है। तो गाइस जल्दी जल्दी मिलते हैं, गाने का शूट है मुझे, पहले वहाँ शूट पर जाना, उसके बाद मुझे शाही से मिलना है। आज जो मेरा पहनने का मन है, पहले तो ये ले लो, ये मेरी जीन्स, ये पहले मैंने कल पहन चुका हूँ उसको मैं इसलिए, और लेते हैं अपनी रेड शर्ट, बहुत दिन हो गए रेड शर्ट पहने हुए। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, मैं तैयार होकर आता हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ, तैयार होकर जल्दी से बाहर आता हूँ, उसके बाद आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि आज मैं शाई के ऊपर क्या प्रैंक करने वाला हूँ, और बहुत ही ऑसम प्रैंक मैंने सोचा है और इससे रिएक्शन भी बहुत ऑसम होने वाला है। तो मैं नहा के आता हूँ, उसके बाद आपको जल्दी से मिलता हूँ रास्ते में। अभी नहाए नहीं हूँ, ये टॉवल तो मैं नहाने के लिए जा रहा था इसलिए मैंने लिया टॉवल। मैं अपनी मम्मी की बहुत आपको मस्त चीज़ बताता हूँ यार, बहुत मस्त चीज़ बताता हूँ मम्मी की यार, मेरी मम्मी हर बार रहती है, मुझे हर बार ऐसी टॉवल लेके जल्दी से बाहर निकलना पड़ता है और अपना सामान ले आना पड़ता है अपने वॉशरूम में वापस। ये पीछे मेरा वॉशरूम है, मेरे कमरे से अटैच है बिल्कुल। अब मैं दिखाता हूँ मम्मी मेरी क्या करती है मेरे साथ, जो कि मुझे ऐसी कंडीशन में बाहर आना पड़ता है। ये देखिए गाइस, मैं दिखाता हूँ मेरी मम्मी क्या करती हैं, मेरी मम्मी क्या करती हैं, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं सारे जो कि मैं यूज़ करता हूँ, और मम्मी इन प्रोडक्ट्स को उठा के अपने यहाँ पे आती है। मम्मी को इतने पसंद है, मैं अपने ऑर्डर करके मंगाता हूँ और ये मम्मी को इतने पसंद है, मेरे जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ, मम्मी का दोपहर में 12 बजे के आसपास का नाने टाइम होता है, मम्मी उठा के अपने कमरे में सजा देती है। तो ये सब प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ, बेसिकली मेरा शैम्पू है एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू है मेरा, ये मेरा कंडीशनर है, और ये मेरा ब्लैक अनियन का सीड्स का ऑयल है, ये फेस वॉश है। और मैं आपको बालों के लिए भी एप्पल साइडर विनेगर सजेस्ट करता हूँ, और आपको मतलब पीने के लिए भी आपको सुबह उठ के एप्पल साइडर विनेगर सजेस्ट करता हूँ, और फेस के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वाव का एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश। ये है वाव का एप्पल साइडर विनेगर फोमिंग फेस वॉश, ऑल थैंक्स टू वाव। इसके साथ आपको इस फेस वॉश पर आपको एक सिलिकॉन का ब्रश मिलता है, जिसको आपको बस ऐसे प्रेस करना है और आपका ये देखिए ये फॉर्म के रूप में आपका फेस वॉश बाहर आता है, और उसको आपको बस इजिली कुछ नहीं करना है, आपको इजिली लेके बस फेस पे ऐसे करके इसे रब करना है, बहुत इजी यूज करने के लिए, बहुत इजी। इसके ऊपर ये सिलिकॉन ब्रश है, बहुत आपको हेल्प करता है आपके पोर्स को अनब्लॉक करने के लिए,
और आपके पोर्स को ये रिफाइन करता है, आपके पोर्स को ये प्यूरिफाई करता है। ये जो फेस वॉश है ये 100% वीगन प्रोडक्ट है। वाओ की जो सबसे खास बात वो यही है कि इसके प्रोडक्ट्स 100% प्लांट बेस्ड है। इस फेस वॉश में ना सिलिकॉन है, ना पैराबेन है, ना मिनरल ऑयल है और ना ही इसके अंदर कोई भी कलर एडिड है। ये 100% वीगन है और ये हर स्किन के लिए सूटेबल है। इसको बस आपको क्या करना है, टैप खोलना है और इस ब्रश के साथ इसको ऐसे वॉश कर देना है बस। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ इसको आपको एक लॉक मिलता है जिसको आप बस इसको ऐसे प्रेस करना है और ये आपकी सीधा बैगेज में डालिए और इससे आपकी कोई भी अनवांटेड लीकेज नहीं होने वाला। वाओ के हर प्रोडक्ट पे ये अपना खुद का क्यूआर कोड होता है, हर प्रोडक्ट पे होता है। ये इनका शैम्पू देख लीजिए आप चाहे तो, जैसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे किसी भी क्यूआर कोड स्कैनिंग ऐप से इनका पेज खुल जाएगा प्रोडक्ट का और जहाँ पे आपको प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। एंड गाइज, डाउनलोड वाओ ऐप फॉर सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस। और गाइज अब चलता हूँ, मैं कैमरा रखता हूँ, मेरा कैमरा भीग जाएगा तो अब मिलते हैं आपको नहाने के बाद गाड़ी में विदाउट एनी डिले। तो गाइज राइट नाउ वी आर एट सत्यनिकेतन। मैंने बीच में रास्ते का बिल्कुल भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत लेट हो गया था, इन्होंने मेरे को टाइम 9:30 का दिया था और मैं 10:30 तक आ रहा हूँ। यहाँ पे एक दोस्त है रिंकू को, आप जानते होंगे जो सॉन्ग्स लिखता है, उसका गाने की वीडियो शूट होनी है। और यहाँ पे एक मेरे दोस्त ने कैफ़े खोला है अभी रिसेंटली, अगस्त में उसकी इनॉग्रेशन हुई है तो उसी का शूट करने के लिए आए हैं लेट बिल्कुल। और मैं और मेरा भाई यारा पीछे टहलता हुआ। तो गाइस शूट इज गोइंग ऑन और बहुत मज़ा आ रहा है और जिस गाने की शूट कर रहे हैं वो हमारे आप पहले मिल चुके हैं रिंकू, ये भाई उन्होंने पहले भी गाना गाया आपने देखा होगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और भाई बहुत अच्छा रैप लिखते हैं, गाने सारे लिखते हैं, सूफीज भी लिखते हैं। इसकी शूट 10 दिन में मतलब एडिटिंग वगैरह सब कुछ हो गए। 1 तारीख को गाना लॉन्च होने वाला है भाई, 24 आवर्स के नाम से मेरा गाना आने वाला है और वो मेरी लाइफ स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है और कहीं ना कहीं आप भी उससे रिलेट कर सकते हो तो भाई सपोर्ट करना प्लीज, क्योंकि कहीं ना कहीं सबने लाइफ में स्ट्रगल किया है तो गाना आप सब रिलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा वाला है। 24 आवर्स आंखें खुली रहती मेरी, 24 आवर्स दिमाग सोचता ही रहता, 24 आवर्स मैं रहूं स्टूडियो में, 24 आवर्स सब बस चिल करूं मैं, 24 आवर्स आंखें खुली रहती मेरी, 24 आवर्स दिमाग सोचता ही रहता, 24 आवर्स मैं रहूं स्टूडियो में, 24 आवर्स सब बस चिल करूं मैं। 1 तारीख को गाना रिलीज होने वाला है गाइस, कीप सपोर्टिंग। चैनल का नाम है फाइन वेव्स और ये इन्होंने 2-3 बंदे हैं, सबको मिलवाऊंगा कभी किसी दिन आराम से, भी तो लेट हो रहा हूँ पसीने में, देख लो कितना बुरा हो रहा है, शूटिंग में मेहनत लगती है। तो गाइस कीप सपोर्टिंग, भाई को भी सपोर्ट करना, भाई बहुत अच्छा लगता है कम उम्र में, इतना अच्छा टैलेंट बहुत मुश्किल बात है। तो गाइस चलते हैं, निकलते हैं, मिलते हैं शाही से। तो गाइस शूट तो चल रहा है जोर शोर से पर हमें निकलना पड़ रहा है जल्दी, जैसे कि मैंने बताया कि शाही से मिलना है, बहुत लेट हो चुका हूँ, भाई को रास्ते में काम है तो भाई को दोस्त के घर पर भी ड्रॉप करके निकलूंगा मैं शाही के पास। उसके बाद मैं शाही पे बहुत छोटा सा प्रैंक करने वाला हूँ, देखता हूँ सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने कल रात को ना शाही को ऐसे 2-3 दिन पहले मजाक में बोला कि यार मैं पिस्टल ले लूँ। तो गाइस ये जो पिस्टल है ये असली पिस्टल नहीं है जो मेरे पास है, ये है लाइटर और मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को भी कोई भी आम रखने के लिए, क्योंकि आजकल यूथ में बहुत चल रहा है कि पिस्टल ले लेते हैं बिना विदाउट लाइसेंस, ये वो, ये चीज़ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, नहीं रखनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि पिस्टल कैसी है। ये है आपकी पिस्टल जो कि दिखने में असली ऐसी है, असली नहीं है, है लाइटर पर दिखने में बिल्कुल ही असली जैसी है। ये आप देख सकते हैं इसका होल, इधर लाइटर का होल है ये, अब फ्लेम आप दिख जाएगी आप इसके, देखो फ्लेम दिख गई, तो ये जस्ट लाइटर है पर ये शाय को नहीं पता कि ऐसा कुछ लाइटर भी आता है तो उसको ही लगेगा असली गन है। उसका रिएक्शन देखते हैं, उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। शाय को कॉल करते हैं, शाय बस मतलब नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्से में शाय, मुझे 12 बजे मिलना था पर अब बज रहे हैं 1:30, मुझे आने में काफी टाइम लग गया और शाय बहुत गुस्से में है, अब रिप्लाई सुनने का आने वाला। कहाँ पे हो? गली में। कितनी देर पहुंच रहे हो? कितनी देर पहुंच जाओगे? कितनी देर पहुंच जाओगे? 2 मिनट में। यार जल्दी आओ, लेट क्यों कर रहे हो? ड्रामे मत करो, ठीक है? लेट क्यों कर रहे हो? आ जाओ जल्दी आओ। ये दिल्ली की गर्मी भाई जान ले लेगी, बहुत बुरी जान ले लेगी यार। गाड़ी के अंदर फुल स्पीड पे ऐसे आपको फैन का शोर भी आ रहा होगा, फिर भी पसीने आ रहे हैं। एक तो एक काली कलर की गाड़ी, ऊपर से इंटीरियर काला, ऊपर से लेदर की सीट्स। भाई जिंदगी में गाड़ी का काला कलर नहीं लेना, कुछ भी ले लूंगा पर काले कलर की जिंदगी में गाड़ी नहीं लूंगा मैं। अक्षय तो चला गया, मुझे सपने तो नहीं आ सकते ना यार। कैसे हो? कैसे हो? गुस्सा हो यार तुम हमेशा, क्यों लेट करते हो? मैं 12 बोल के 1 बजा दिया, 1 के सामने 1:30 बजा दिया यार।
यार कभी कभार ऐसा हो सकता है कि लड़का भी इंतजार करा सकता है, और ये तो घर पे इंतजार कर रही थी यार, मैं कहीं बिजी था बहुत ज्यादा। वो मुझे पता है तुम कहाँ बिजी थे। कहाँ था बताओ? जुबान। अब तो फाइन वेव्स के नाम से चैनल हो चुका है, जुबान तो खत्म हो गया। कर क्या रहे थे? फाइन वेव्स शूट मेरा भी उन्होंने कुछ बीच में शूट किया, आपको गाने के अंदर देखने को मिलेगा। तुम्हारे ने कैसे किया? नहीं नॉर्मल था, बिल्कुल बढ़िया एकदम। तुम्हें आता भी है नाचना? चलो चलते हैं। क्या मुसीबत है इस पहला तुरंग परेशान किए हुए बहुत दिनों का शायद परेशान शायद को बहुत परेशान करती है, तो मैंने सोचा इस बार मैं शायद को परेशान करता हूँ। ये बिंदी इसकी कुछ हटाते क्यों नहीं हो? जब नई गाड़ी थी शायद यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बिंदी लगाई थी और हमेशा लगी रहेगी, ये देख लीजिए। मत छोड़ो ये रिव्यू बिंदी ये लगे नहीं लेना। तो चलते हैं, चलते ही है फिर, अब तो आज का काम रह गया, आपने तो काम ही खराब कर देना है लेट होके। तो कोई नहीं, मिलके बातें कर लेते हैं। तुम्हें गर्मी क्यों लग रही है यार, इतना पसीना छूट रहा है, गाड़ी गर्मी है। चलो फिर चलते हैं, बाय गाइस, बाय एवरीवन गाइस, ओके बाय एवरीवन। आई अपना हाथ दिखाओ, ऐसे नहीं ऐसे करके दिखाओ लोगों को, लुक एट आवर हैंड, कितना अलग है ना, कितना अलग है ना। चले चलते हैं, चले ही चलते हैं। चले तुम कल से मैं नाराज क्यों हो? तुमने पिस्टल की बात का जवाब नहीं दिया, उल्टा सीधा बोलने लग गए उस पे, वो पिस्टल वाली बात पे। ले लो, मना तो नहीं किया मैंने, पर मेरे सामने ले आओगे क्यों? चले, अगर मैंने पिस्टल ले तो मेरे सामने नहीं आओगे? और अगर मैंने ले लियो तो अभी उतर के चल जाते हो? चलती गाड़ी से कैसे उतरोगे? यार तो लेना होना चाहिए, एक सेफ्टी अपने हाथ में होनी चाहिए ना, सिर्फ रखें अपनी सेफ्टी। यार तुम भी अंबानी के बेटे हो, तो मुझे सेफ्टी चाहिए। क्यों जरूरी है सिर्फ अंबानी रखेगा यार? नहीं अपनी सेफ्टी होनी चाहिए ना। तुम्हें किस बात की सेफ्टी चाहिए? मुझे पता नहीं क्या होता है, काम करता हूँ, मैं घूमता हूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लगना मुझे तो मैं ले लूंगा। बात को बुरा लगता है? मैं ले लूंगा। 30,000 रुपए मिल रहे, बहुत अच्छी 30,000 रुपए की मिल रही है। आए 30,000 की बहुत अच्छी मिल रही है यार। किसे फोन कर रहा हूँ? नहीं किसे कॉल कर रहा हूँ? नहीं 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 शायद, प्लीज हाथ जोड़ रहा, मत करना शायद, मत करना मम्मी का फोन, मत करना मम्मी का कॉल, मत करना प्लीज, मम्मी को बताना प्लीज 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 प्लीज, मम्मी मार देंगे प्लीज, मम्मी मार देंगे प्लीज 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 प्लीज। मैं वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस मैं वापस कर दूंगा। अच्छा मैं कुछ भूल गई सामान। क्या क्या भूल गया? कैमरा तो मेरे वाले से व्लॉग कर लेना, तो मैं कर रहा हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा है, मैं वापस कर दूंगा, मम्मी को नहीं बोलोगे ठीक है? यहाँ पर 30,000 की बहुत अच्छी मिल रही है यार, कल रात से मेरे दिमाग में वही चल रहा है यार। और लाइसेंस वाली रख सकते हो? विदाउट लाइसेंस वाली रख सकता हूँ, लाइसेंस वाली बनवा दूंगा। क्यों? और अगर मैं बोलूँ मैंने ले लियो उसी को किसी गाड़ी में? अरे नहीं शायद, नहीं शायद, प्लीज शायद, नहीं शायद, नहीं नहीं प्लीज प्लीज नहीं। क्या हो गया? शायद प्लीज मैं वापस कर दूंगा, आई प्रॉमिस वापस कर दूंगा, छेड़ना मत। रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? ये वो कर दूंगा वापस यार, मेरी नहीं है यार किसी की, मैंने बस ऐसे लिया था, अच्छी लगी थी, पर मैं समय उनसे कुछ पेमेंट और कुछ नहीं किया, ऐसी है यार। जो आप बोलते हो आप कल फोन पे भी लड़ रहे थे, अब बताओ रीजन तो बता दो। कोई रीजन नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर लो। तो ऐसी दिक्कत क्या है इस चीज से, बताओ तो सही। मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं, कल तुम अगर गैंग भी बना लेते हो, अब कोई डॉन भी बन जाते हो, किसी का खून भी करते हो, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यार मेरे कहने से अगर पकड़ो तो सही, नहीं पकड़ रहे, पकड़ो एक सेकंड, शायद पकड़ो एक सेकंड, एक सेकंड पकड़ो,
एक स्क्रीन पकड़ो, अच्छा कोक तो कर दो खाली, घर छोड़ दे, घर जाना है, एक स्क्रीन पकड़ो, एक स्क्रीन मेरे कहने पकड़ो सही, प्लीज पकड़ो एक स्क्रीन, ढंग से पकड़ो यार, क्यों परेशान कर रहा है मुझे, फिर रोने लग गए, ये लो पकड़ो, मना कर रहे मुझे नहीं पकड़ना, बढ़िया एकदम एक नंबर, एक सेकंड पकड़ लो उसको, मुझे नहीं पकड़ना, अच्छा ठीक है रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं, अच्छा फेंक दी इधर, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, आई एम 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 सॉरी, इट्स जस्ट अ प्रैंक, तुम्हारी कसम ये प्रैंक है, तुम्हारी कसम प्रैंक है, तुम्हारी कसम प्रैंक है, तुम्हारी कसम प्रैंक है, शाय का बुरा हाल चुका रो रो के, शाय यार मेरे को ना बताना पड़ गया, एक साथ इतनी तेज से रोई कि मुझे बताना पड़ गया कि यार ये लाइटर है गन नहीं है, और मैं खुद के खिलाफ गन रखने के, तो सॉरी मेरे पसीने पूछ दिया, आते इसने गाड़ी में पूछा कि आपको पसीने क्यों आ रहे हैं, मैंने कहा पसीने मुझे इसलिए आ रहे हैं कि भाई मैं प्रैंक कर रहा हूँ, कल ये पकड़िया ना जाए या कुछ उल्टा ना कर दे, इसलिए मेरे पसीने छूट रहे थे, ये देखो पसीने इसलिए आ रहे हैं कि टेंशन में आदमी को ज्यादा पसीने आते हैं, और इसको अभी इसको दूसरा कैमरा पता ही नहीं कहाँ लगा हुआ है, शायद ढूंढो कहाँ लगा हुआ है, गर्दन उर्दन घुमा के देखो वो मिल जाएगा कहाँ लगा हुआ है, शायद ठीक है अब खुश हो, कुछ नहीं है इसको हटाओ भी थोड़ी देर पैक, आपको काती जाएगा, अब तो ठीक है, अब तो मुस्कुरा दो, अब तो मुस्कुरा दो, देखो मैंने प्रैंक किया और उन्हें रुला भी दिया ऐसे यार, अब यार मुझे नहीं उम्मीद थी कितनी बुरी तरीके से, मुझे लगा रिएक्ट करेगी, गुस्सा करेगी, मारेगी और गाड़ी से चली जाएगी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे रोने लग जाएगी यार, मैं रुलाने के लिए नहीं आया था, सच में मैं रुलाने के लिए नहीं आया था यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं रुलाने के लिए नहीं आया था, रुलाने के लिए नहीं आया, मैं जब भी तो करता शायद और पकड़ो 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 कि पकड़ने के बाद तो पता चल जाएगा कि ये एक लाइटर है यार, वो गन है ही नहीं, प्लास्टिक है थोड़ा बहुत उसमें, बाकी ये जो हमने ढूंढा था ये मेरे को एक दोस्त के पास मिल गया था और ये उसके पास बिल्कुल असली लगी, और जैसे ही मैंने उसके पास देखी मैंने कहा यार तू गन लग रही है, शाय के ऊपर प्रैंक कर सकते हैं, इसलिए मैं कल रात से शाय को मैसेज करके बोल रहा था कि करते हैं करते हैं करते हैं, मैं पिस्टल ले लूँ, मैं पिस्टल ले लूँ, पिस्टल ले लूँ, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि लाइसेंस की आप रखो, अगर आप अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, सब कुछ जी रहे हो, तो आपको गन की जरूरत नहीं यार, सबसे प्यार मोहब्बत करो, आपको कोई नहीं छेड़ने वाला, ठीक है शाय, अब तो मुस्कुरा दे, अब तो मुस्कुरा दे, अब तो मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे, क्या हो गया, मजेदार यार ये रिएक्शन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो गाइस ये सेम वीडियो डालने से पहले ये रिएक्शन मैं मम्मी के ऊपर भी करने वाला हूँ, ये घर में मैं करने वाला हूँ, बहुत अच्छा प्रैंक, नहीं नहीं ये वीडियो अलग डाला मम्मी, हाँ वही हाँ यही मैंने कहने वाला कि ये वीडियो मैं यही खत्म कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब ये वीडियो लाइव करने से पहले मम्मी के ऊपर रिएक्शन कर, मम्मी की अगर मैंने वीडियो डाल दी मम्मी मेरी वीडियो देखती, मम्मी को पता चल जाएगा कि फेक है गन, पर अभी मैं घर जाते ही आज मम्मी के ऊपर सेम ही चीज करने वाला हूँ, की है, और उसके बाद मम्मी का रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा होने वाला, तो गाइस मम्मी मेरी लड़ जाएगी, मम्मी मेरी मार देंगी मेरे को यार, बहुत देखेंगे रिएक्शन और बहुत एपिक होने वाला, क्योंकि कमरे के अंदर मैं कैमरा भी बहुत अच्छी जगह प्लेस कर सकता हूँ, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, शाय का रिएक्शन अच्छा लगा हो, ये गाइज बिल्कुल भी मजाक से हटके बता रहा हूँ, ये कोई भी प्लान प्रैंक, ये वाला प्रैंक बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, और लास्ट वाला वो आईफोन वाला भी स्क्रिप्टेड नहीं था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार अब तो शेयर करना बनता है और लाइक करना भी बनता है, और कमेंट कीजिए कि मैं आने वाले में वीडियो में क्या प्रैंक कर सकता हूँ, यार कमेंट मत कीजिए प्रैंक मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली बताया कि तो मम्मी कमेंट पढ़ लेती है यार, और मम्मी पहले से पता लगा लेती है यार ये प्रैंक ही कर सकता है, और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना अगर कोई भी आपके दिमाग में अच्छा प्रैंक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैं मम्मी के ऊपर करने वाला हूँ, Bye guys, see you next video.